ओके बच्चों, अब हम करते हैं रिवीजन आपका चैप्टर नंबर 11, सेटिंग वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यू रिलेटिंग। क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमें कि इंडिया के बाहर अगर किसी भी इंडियन एंटिटी को इंडिया के बाहर अगर पैसा लगाना है तो किस तरीके से लगाया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग 1991 से हुआ था। 1991 से पहले हमारी जो इंडियन इकॉनमी थी वो क्लोज इकॉनमी थी, फिर हम ओपन इकॉनमी बने। 1991 में हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बजट लेके आए थे और उस बजट के अंदर उन्होंने बताया था कि हम लिबरलाइज प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज हो गए थे। बट इसके साथ साथ एक और इश्यू आ गया था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना इंडिया में आना चाहिए और कितना इंडिया के बाहर जा सकता है, मतलब इंडिया के अंदर कितना फॉरेन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किस सेक्टर के अंदर, या इंडिया के बाहर अगर कोई इंडियन एंटिटी करना चाहे तो क्या उसके ऊपर कोई रेगुलेशन है। इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फेरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता था, वो इतना स्ट्रांग नहीं था। तो उसी के साथ साथ हम एक और चेंज किया और हम एक नई एक्ट लेके आए उसके कुछ सालों बाद में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये बेसिकली नई एक्ट नहीं थी, फेरा का ही रिप्लेसमेंट था और बन चुके थे ओपन इकोनॉमी बाय द टाइम। तो अगर किसी भी आदमी को इंडिया के बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लेनी होती है तो उसको बोलते हैं FDI या FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इंडिया के बाहर कोई इंडियन एंटिटी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ODI, मतलब ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आज का इस चैप्टर के ऊपर हम डील करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जब भी आप इंडिया के बाहर कोई भी पैसा लगाना चाहते हो तो आपको कुछ एंटिटीज को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड ऑल्सो RBI एक्ट 1934, इन दोनों को करना है। इंडिया के बाहर अगर आपको पैसा लगाना है तो उसका तरीका क्या होता है, आप ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूल का मतलब क्या है, इसमें RBI की परमिशन नहीं लेनी, और अप्रूवल रूट में होता है कि RBI की परमिशन आपको लेनी है। कोई भी एंटिटी जो इंडिया के बाहर पैसा लगाना चाहती है वो किस कौन लगा सकता है, इंडिया के बाहर पैसा लगाने के लिए आपको चार पार्ट में बांटा गया है। इधर यू आर रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और यू आर LLP रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट 2008, या फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट 1932 और एनी अदर नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हुआ तब भी आप लगा सकते हो। सर कितना पैसा इंडिया के बाहर लगा सकते हो, आप लगा सकते हो up to $1 billion। फिर से रिपीट करता हूँ जो क्रक्स है इस चैप्टर का, यू कैन इन्वेस्ट up to $1 billion सब्जेक्ट टू योर 400% ऑफ योर नेटवर्क। एक बार फिर से रिपीट, इंडिया के बाहर ये एंटिटीज कितना पैसा लगा सकती है, $1 billion लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू 400% ऑफ नेट वर्थ लगा सकती है ऑटोमेटिक रूट में। अगर आप अप्रूवल रूट में जाना चाहते हो, सपोज आप करते हो कि 1 billion से ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो आपको अप्रूवल रूट में आना पड़ेगा और RBI से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। देर आर सर्टेन एरियाज इन विच द इंडियन एंटिटी कैनॉट इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर वो पैसा नहीं लगा सकते। किसके अंदर नहीं लगा सकते, यू कैन इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, बट रियल स्टेट की बात करें तो डेवलपिंग ऑफ टाउनशिप, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, रोड्स या बैंकिंग बिजनेस के अंदर आप इंडिया के बाहर पैसा लगा सकते हो। ऑल्सो यू कैनॉट इन्वेस्ट इन दोज फॉरन एंटिटीज विच इन्वेस्ट इन इंडिया इन द इंडियन लिंक्ड सिक्योरिटीज, मतलब कोई भी ऐसी फॉरन एंटिटी जो इंडिया के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करती है आप उसमें पैसा नहीं लगा सकते हो। इंडिया में बाहर पैसा लगाने के कुछ मेथड्स हैं। इंडिया के बाहर पैसा भेजोगे कैसे, आप इंडिया के बाहर पैसा भेजने के लिए आपको या तो आप अपने ऑथराइज डीलर AD ब्रांच जो होती है उससे पैसा विड्रॉ कर लो, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट कर लीजिए, और या फिर आपको स्वैप ऑफ शेयर कर लो, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो पैसा आपने बाहर से लोन लिया उसको बाहर ही यूटिलाइज कर लो, इंडिया में मत लेके आओ। EFC अकाउंट या ADR GDR की प्रोसीड्स को आप कर सकते हो। साथ ही साथ कंडीशंस फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर इंडिया के बाहर पैसा लगाना है तो व्हाट आर द कंडीशन मेंशन ओवर देयर, यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन दोस वेंचर्स, आप उन्हीं वेंचर को लोन या फिर आप उन्हीं एंटिटीज में लोन या फिर गारंटी दे सकते हो जहां पर आपका इक्विटी में पैसा लगा हुआ है। यू इंडियन एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन दोस जॉइंट ओन सब्सिडरी वेयर इन दे हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी ओनली, जिस कंपनी के जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी में इंडियन एंटिटी का इक्विटी अंदर पैसा लगाया हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है इक्विटी में, उसी एंटिटी के अंदर आप लोन या गारंटी दे सकते हो और किसी को नहीं दे सकते। ऑल्सो यू शुड नॉट बी डिफॉल्टर इन इंडियन एज पर इंडियन गवर्नमेंट, आप डिफॉल्टर ना हो। एग्जाम्पल विजय माल्या का रेगुलर क्लास में ट्रांजेक्शन थ्रू AD बैंक, सारा का सारा ट्रांजेक्शन ऑथराइज डीलर के थ्रू होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जो अगर आप शेयर में पैसा लगा रहे हो तो 5 मिलियन USD से अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। इंडिया के मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1 SEBI के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो भी कर सकता है। और अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्वैप का केस हो रहा है तो उस केस के अंदर आपका इंडिया का मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1 या फिर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बैंकर वो उसके होस्ट कंट्री के रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट नॉट अंडर ऑटोमेटिक रूट, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक रूट में आप पैसा नहीं लगा सकते,
सर 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा लगाते हो आप तो इंडिया, आप 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा पैसा लगाते हो तो ऑटोमेटिक रूट में नहीं, अप्रूवल रूट में आपको आना पड़ता है। ऑल दीज ट्रांजेक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू द ऑथराइज डीलर, एडी कैटेगरी बैंक के साथ आपको करना पड़ेगा। वहां पर आपको एक ऑनलाइन एक फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन को एडी ब्रांच जो है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट करके आरबीआई को सेंड करेगा। आरबीआई आपको इसके ऊपर एक ट्रांजेक्शन नंबर देगी। इस ट्रांजेक्शन नंबर को जो आपकी फिजिकल एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर मेंशन किया जाएगा और आरबीआई को इसको फिजिकली फिर दोबारा से भेजा जाएगा। इफ आरबीआई विल बी सेटिस्फाइड, आरबीआई विल अलाउ द एडी ऑथराइज डीलर को अलाउ करेगा कि हाँ इनको पैसे में लेन देन ओडीआई जितना भी परमिट है उतना बाहर के इंडिया के अलाउ कर दीजिए, ले जाने दीजिए, और साथ साथ आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दे दिया जाता है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।